सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो फाइनल ईयर जेमेस 2023, आज 1 फरवरी शिफ्ट वन का है अभी यार, फाइनली एग्जाम ओवर हो चुका है। एंड इस वीडियो में यार हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स के फीडबैक। मैं यार अभी जो है लाइव देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट का रिएक्शन क्या है शिफ्ट वन के पेपर को लेकर के, एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे कि आपका डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाला हूँ कि आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। एंड इसके साथ साथ जिन जिन भी स्टूडेंट का 1 फरवरी शिफ्ट वन का पेपर था, तो उनका आपका कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कटअप्स कितना होगा, जनरल EWS SC ST OBC सभी का मैं बात करने वाला हूँ। एंड इसके साथ साथ यार एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा, एंड कौन कौन से मार्क्स पे, कितने कितने मार्क्स पे, कौन कौन से NIT टॉप का, NIT लोअर, NIT टॉप का ब्रांच, CSCIT या तो फिर लोअर ब्रांच मिला होगा, वो सारा जो है मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ यार आंसर की जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1 फरवरी शिफ्ट वन का, जिनका जिनका भी पेपर था, तो इसके लिए जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जो आप लोग को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड अभी यार जो है मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में यार मिस अभी थोड़ा सा कुछ 10-15 मिनट का टाइम मेरे को मिला है, इस गैप में मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो क्लासरूम में मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सो चलो यार फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं बात करता हूँ कि आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले यार अगर जो मैथ सब्जेक्ट की बात करूँ, तो मैथ सब्जेक्ट में यार हर शिफ्ट की तरह आपका फिर से इस बार भी जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यानी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मॉडरेट भी आए हुए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ठीक है। लेकिन सेम एज प्रीवियस मीन्स लगभग जो है आपका प्रीवियस शिफ्ट की तरह ही आपका सेम, यानी कि लेंदी कैलकुलेशन, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा, 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, आपका 3 से 4 यार इक्वेशन जो है बन जाता है आपका, 3 से 4 जो है कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, इसके बेसिस पे थोड़ा जो है आपका लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। अगर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ, तो बाइनोमियल थ्योरम से आपका 3 क्वेश्चन आया होता, वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 to 4 क्वेश्चन आया हुआ था। एंड कैलकुलस में अगर जो बात करूँ, तो इंटीग्रल कैलकुलस से आपका 2 क्वेश्चन, प्लस में डिफरेंशियल कैलकुलस से भी आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एंड जो जो भी यार मैथ में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से जो है आपका फिर से एडजॉइंट मैट्रिक्स से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो इन सभी चैप्टर से भी आपका एक एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर जो बात करूँ, तो आपका मैथ का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में कर सकते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 12th से ही आया हुआ था। उसके बाद फिर यार बात करूँ अगर जो फिजिक्स सब्जेक्ट का, तो फिजिक्स सब्जेक्ट का पेपर फिर से आपका जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर सकते हो, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का जो है रिएक्शन आपका टफ भी आ रहा था, एंड कुछ कुछ स्टूडेंट का जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि ईजी भी आए हुए थे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है मॉडरेट टू मिस डिफिकल्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड यार बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि थियोरेटिकल बेस्ड भी आया हुआ था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि स्टेटमेंट इस तरीके से दे देता है ना आपका, ABCD स्टेटमेंट देता है, एंड उसके बाद फिर आपका मीन्स इस तरीके से दिया हुआ रहता है कि आपका आइदर ए करेक्ट या तो फिर आइदर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, इस तरीके से आपका स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन आपका आया हुआ था फिजिक्स में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ, तो आपका 12th से एंड 11th से सेम नंबर ऑफ वेटेज थे, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग आए हुए थे। केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री में यार वही यार इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन आए हुए थे। फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग आए हुए थे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आए हुए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन आए हुए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, तो आपका मॉडरेट क्वेश्चन 12th से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज पेपर का डिफिकल्टी लेवल। लेकिन ओवरऑल यार पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ, यानी कि 1 फरवरी शिफ्ट वन का ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को मिला करके, तो वो यार जो है आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर कहा जा सकता है, ठीक है। टफ विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस शिफ्ट, लेकिन प्रीवियस शिफ्ट की तरह, यानी कि आपका जितना भी 24-25 जनवरी को पेपर हुआ, एंड उसके बाद फिर 29-30-31 जनवरी को, उसके रिस्पेक्ट में जो आप लोग डिफिकल्ट कर सकते हो, तो इसके बेसिस पे यार अब जो है मैं बात कर लेता हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड कटअप्स कितना हो रहा होगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अगर जो यार आप जनरल कैटेगरी से हो, एंड जनरल कैटेगरी में अगर जो आपका मार्क्स 70+ मार्क्स आपका आ रहा है, 70+ मार्क्स, तो आप जो है कटअप क्लियर कर जा रहे होगे 1 फरवरी शिफ्ट वन का पेपर में, ठीक है। वहीं पे जनरल EWS कैटेगरी की बात करूँ, तो आपका 62 मार्क्स आ रहा है, तो आपका कटअप क्लियर हो रहा होगा। OBC कैटेगरी के लिए भी 60+ मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 42+ मार्क्स, एंड ST कैटेगरी के लिए 38+ मार्क्स, ठीक है। इसमें यार जो हो सकता है कि आपका ±2 मार्क्स हो सकता है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि आपका अगर जो इतना मार्क्स आ रहा है 1 फरवरी शिफ्ट वन का पेपर में, तो आप जो है कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। एंड कट ऑफ क्लियर करने का मीनिंग ये होता है कि आप जेई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, एंड जे एडवांस का एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जे एडवांस का एग्जाम में बैठ सकते हो। नेक्स्ट ईयर अब जो है मैं बात करता हूँ कि आपका कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो रहा होगा 1 फरवरी शिफ्ट वन का पेपर में, एंड कितने कितने मार्क्स पे, कितने कितने परसेंटाइल पे कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर बात करूँ 99% के लिए, तो अगर जो आपका मार्क्स 170+ मार्क्स आ रहा है, 170 के अराउंड,
तो जो है आपका 99 परसेंटाइल आ रहा होगा। 98 परसेंटाइल के लिए 162 मार्क्स के अराउंड, 97 परसेंटाइल के लिए 150 मार्क्स के अराउंड, 96 परसेंटाइल के लिए 132 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 115 मार्क्स एंड 92 परसेंटाइल के लिए 92 प्लस मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 85 के अराउंड अगर जो मार्क्स आ रहा है तो इतने मार्क्स पे जो आपका इतना परसेंटाइल बन रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर जो बात करूँ 99 परसेंटाइल आपका अगर जो आ रहा है 172 प्लस मार्क्स, 175, 180 के अराउंड, तो आपको टॉप का एनआईटी विथ टॉप का ब्रांच आपको मिल रहा होगा, यानी कि सीएसईआईटी ब्रांच के साथ आपको कंफर्म एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। वहीं पे अगर जो बात करूँ आपका मार्क्स 97 परसेंटाइल यानी कि 155, 160 के अराउंड आ रहा है, तो आपको टॉप का एनआईटी विथ टॉप का ब्रांच या तो फिर लोअर ब्रांच, ठीक है। आपको अगर जो टॉप का ब्रांच टॉप का एनआईटी मिल रहा होगा तो मे भी हो सकता है कि आपको लोअर ब्रांच मिल रहा हो, ठीक है। तो आपको ब्रांच का प्रेफरेंस मे भी नहीं मिल सकता है, लेकिन ये कंफर्म रहो कि आपका 150 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आपको टॉप का एनआईटी कंफर्म मिल रहा होगा। वहीं पे 95 परसेंटाइल अगर जो आपका आ रहा है यानी कि 115-120 मार्क्स के राउंड, तो आपको कोई ना कोई यार एक एनआईटी जो है टिल लास्ट राउंड काउंसलिंग, जैसा कि आपको पता होगा कि जोसा का जो काउंसलिंग होता है सिक्स राउंड तक होता है, फर्स्ट राउंड, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, इस तरीके से सिक्स राउंड तक होता है। तो आपको हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिले, सेकेंड राउंड में नहीं मिले, लेकिन लास्ट राउंड काउंसलिंग तक, सिक्स राउंड काउंसलिंग तक आपको कन्फर्म मिल जाएगा कोई ना कोई एक एनआईटी। अगर जो यार जस्ट आपका 90 परसेंटाइल रहता है यानी कि आपका मार्क्स 80, 85, 90 के राउंड रहता है, तो आपको अगर मे बी होम स्टेट का कोई ना कोई एक एनआईटी मिल सकता है या तो फिर कोई स्टेट लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। एनआईटी मीन्स कन्फर्म नहीं हो कि एनआईटी आपको मिलेगा या तो फिर नहीं, लेकिन मिस मिल भी मिलेगा भी तो मे भी आपका सी एस ए वी राउंड काउंसलिंग यानी कि स्पेशल राउंड जो काउंसलिंग होता है जोसा के बाद, उसमें आपको मिलेगा होम स्टेट का एनआईटी या तो फिर स्टेट लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो ये था यार आपका 1 फरवरी शिफ्ट वन का पूरे पेपर का डिटेल में एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। बाकी यार क्वेश्चन पेपर 1 फरवरी शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की जैसे ही मेरे को मिलेगा तो वो मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है स्पेशली सभी जेईई 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। बाकी यार शिफ्ट टू का भी जो है जैसे ही आपका पेपर ओवर होगा तो मैं जो है इसी तरीके से डिटेल में एनालिसिस वीडियो में ला दूंगा। सो मेक श्योर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। एंड बाकी जोसा 2023 फ्री काउंसलिंग टू कॉलेज एडमिशन तक यार सारा जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। सो बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडीइंग, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।